बात फरीदाबाद की, जहां पर एक नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ। अपहरण के बाद बच्ची का सौदा 20,000 रुपए में तय हो गया, जिसके बाद 45 साल के व्यक्ति ने उस नाबालिग से शादी की और उससे जबरन एक साल तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए ये दरिंदगी की दास्तां। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। एक वक्त था जब नारी को हम देवी के रूप में पूजते थे, लेकिन आज आलम कुछ ऐसा है कि महिलाओं की इज्जत को सरेआम नीलाम किया जाता है, उनकी आबरू तार तार की जाती है। हाल के दिनों में पूरे देश में महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले बाढ़ की तरह बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं हो, नाबालिग लड़कियां हो या छोटी छोटी बच्चियां, इन सब के साथ रेप की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस तरह की घटनाएं किसी एक राज्य या शहर की नहीं है, बल्कि पूरे देश को ही निगल रही हैं। और इस मामले में कार्रवाई करने वालों को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि फरीदाबाद की रहने वाली 14 साल की एक बच्ची के साथ करीब एक साल तक दुष्कर्म होता रहा, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करना तक मुनासिब नहीं समझा। कुछ नहीं पता चला, जब लड़की फोन आया हमको तो ये पता चली है कि लड़की किडनैप हो चुकी है। SSO वहाँ है, बेग दी है, मतलब वहाँ जाकर ही पता चली है। तो सिर्फ फोन आया था लड़की का। कितने दिनों के बाद आपको फोन आया? एक साल बाद आया था फोन, एक साल बाद। तो लड़की ढूंढा पुलिस के द्वारा, पुलिस नहीं उठी। थोड़ी हमने भी कोशिश करी ढूंढने के लिए, आपने, इसके पापा ने, पुलिस को भी साथ लेके गई कई जगह। सरकार मंच से हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा होते दिखाई नहीं दे रहा है। फरीदाबाद की रहने वाली इस बच्ची की दास्तां सुनकर आप भी सिहर उठेंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा पुलिस प्रशासन कितना लाचार और बेबस है, क्योंकि पुलिस एक साल में भी अपराधियों के 3 गुनाहों की सजा तक तय नहीं कर पाई। तय करना तो दूर, पुलिस ने वहशी दरिंदों को गिरफ्तार तक नहीं किया। आरोपियों का पहला जुर्म बच्ची को अगवा करना, दूसरा उसे बेचना, जिसके बाद 45 साल के व्यक्ति ने बच्ची के साथ शादी की, और तीसरा जुर्म बच्ची से जबरन दुष्कर्म करना। 45 साल का व्यक्ति एक साल तक बच्ची से जबरन दुष्कर्म करता रहा। नाबालिग के साथ जो जुर्म हुआ उसके बाद वो गर्भवती भी हो गई और अब उसने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया है। बच्चा और उसकी माँ का भविष्य क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। हालांकि पीड़ित परिवार ने एक साल पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, लेकिन पुलिस ने रद्दी के पन्नों की तरह उसे कहीं फाइल में बंद करके रख दिया था। मैं घर से बल्लभगढ़ के लिए तहसील बल्लभगढ़ के लिए आधार कार्ड लेने के लिए गई। उस दिन मेरे पापा बीके हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो वो स्लिप है जो आधार कार्ड की, वो मांग रहे थे तहसील में। तो मैं बीके हॉस्पिटल के लिए बैठी ऑटो में, तो ऑटो में पता ही नहीं मेरे को, बेहोशी की कोई चीज सुंघा दी और उसके बाद पता ही नहीं मेरे को। जब मुझे होश, दिल्ली के पालम शहर में जाके होश आया, तो मैंने पूछा उनसे मुझे कहाँ लेकर आए हो। वो बोले, धमकी देने लगे, जोर जबरदस्ती करने की भी कोशिश करी। चालक और उसकी भाभीया, रिश्तेदार बुलाए वहाँ पे उन्होंने, मुनेश और उसकी मम्मी को, और मुनेश और उसकी मम्मी मुझे बदायूं गांव ले जाने लगे। और ऑटो चालक की भाभी आई, मुनेश और उसकी मम्मी से 20,000 रुपये मांगने लगे। मुनेश और उसकी मम्मी ने 20,000 रुपये उनको दे दिए। फिर मुझे यूपी के बदायूं गांव में ले गए और वहाँ पे मेरे साथ फेरे ले लिए और जोड़ी जबरदस्ती से दुष्कर्म करने लगा। एक साल तक वो मेरे साथ ऐसे ही करता रहा। एक साल तक मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। जैसे तैसे बच्ची उन जानवरों की चंगुल से बाहर आई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में अपहरण, खरीद फरोख्त और कई धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। ये पिछले साल की घटना है, हमारे थाना सदर एरिए की बात है। वहाँ पे की लड़की चली गई थी यहाँ पे, तो उसमें उसका गुमशुदगी का 340 का पर्चा दिया था। बाद में लड़की की तलाश करने पर लड़की बदायूं यूपी से मिली है, और लड़की की वापसी में बयान होने पर उसमें और धाराएं ऐड की गई हैं, जो जिसमें अपहरण की धारा है और बेचने की धाराएं हैं, और उसमें के साथ जो उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसकी धाराएं ऐड की गई हैं। ऐसे अपराध सुनकर मन कचोट कर रह जाता है, दिल दुख जाता है।
क्योंकि आवाज तो उठाई जाती है लेकिन कार्रवाई के नाम पर तारीख और आश्वासन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता।